आप सभी को साइंस एकेडमी में स्वागत है। और बिहार इंटरमीडिएट का आज परीक्षा था और आज फर्स्ट पेपर बायो का था। और मेरे साथ मौजूद हैं रवि सर। और आज रवि सर मौजूद हैं और जो बायो का जो इन्होंने गेस्ट पेपर टेस्ट किया था, जिससे काफी प्रश्न आए हैं और लड़े भी हैं और इससे बच्चे काफी खुश हैं। हम जानेंगे रवि सर से। बेसिकली सभी बच्चों को एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। इनफैक्ट आज पहला दिन था और पहला दिन एग्जाम का सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। और इनफैक्ट पहले दिन बायोलॉजी कहीं ना कहीं थोड़ा आसान विषय माना जरूर जाता है, पर जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर आए हैं ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि बिहार सरकार बच्चों के एग्जाम्स को लेकर थोड़ी सिंसियर हुई है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बेहतर हैं और वो कुछ इस लेवल के हैं कि भविष्य में अगर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो उनकी नीट की तैयारी बेहतर हो सकती है। इनफैक्ट फिलहाल जो अभी एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरा ये पर्सनल ओपिनियन कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और एकेडमी में जो क्वेश्चंस दिए गए थे, जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसा आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें से 10 लिखना होता है, तो जो हमने गेस किया था उनमें से लगभग 14 क्वेश्चंस हूबहू आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लासरूम के नोट से भी हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 14 क्वेश्चन तो जरूर शॉर्ट में है। और लॉन्ग में भी 6 में से मोर देन 4 क्वेश्चंस गेस पेपर में से हैं और उसमें सिर्फ 3 का जवाब देना था। इनफैक्ट सही में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन में आधे आधे क्वेश्चन भी उसी में से आए हुए हैं, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस लड़ गए हैं और इसे आप आसानी से मार्केट में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज हम जानेंगे आपसे, आपने जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन गेस आपने किया था उससे कितने क्वेश्चन आए हैं? मेरे पास बायो का सेट बी क्वेश्चन आया हुआ था और उससे मैंने मिलाया जो मैंने बच्चों को दिया था, तो मैं प्रूफ के साथ क्वेश्चन वाइज आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 सेट बी में जो क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का काउजल ऑर्गेनिज्म है, इसका क्वेश्चन ये हमारे गेस में था। इसके अलावा पॉपुलेशन, जनसंख्या के प्रभाव, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी गेस क्वेश्चन में था। डीएनए को फ्रेगमेंटेशन जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी गेस में था। एलिजा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एलाइजा टेस्ट जो एड्स की जांच की प्रक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी गेस में था। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पर्म के, ह्यूमन स्पर्म के बनने के अलग अलग स्टेजेस के बारे में डिटेल लिखना था, ये भी गेस में था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, ये भी गेस क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 9 नॉन मेंडलिज्म, नव मेंडल बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हमारे गेस क्वेश्चन में है। इसके अलावा 10 नंबर जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, इसे क्लास में बहुत डिटेल के साथ अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बनवाया गया था और बच्चों ने बहुत आसानी से बनाया था। इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी गेस क्वेश्चन में है और साथ में बहुत डिटेल्स भी था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सही मायने में इसकी तैयारी तो लॉन्ग के लिए करवाई गई थी पर ये शॉर्ट में आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर जहां पराकणों का निर्माण होता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में था, लॉन्ग में था पर यहाँ शॉर्ट में आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 मेडिएटेड इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक तंत्र से ये क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट में इतने ये सारे जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है हैं। आपका गेस किया हुआ था, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी लड़ गया है। सही मायने में ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो पहले की अपेक्षा काफी कितना मुश्किल ऑब्जेक्टिव है। आप दिए थे छात्रों को? देखिए ऑब्जेक्टिव जो गेस पेपर मार्केट में अवेलेबल है उसमें नहीं था, पर क्लासरूम में हर अच्छा, रिवीजन चैप्टर, आप कराए थे? हर क्लास में चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव दिया जाता था और क्लासरूम में नोट्स में भी अवेलेबल करवाया जाता था। उसमें से लगभग 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, 70 में से जिसमें 35 35 आंसर का करना। आंसर करना था, 70 में 35 का आंसर देना था, लगभग 42 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे पूछे गए। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 में क्वेश्चन नंबर 21 सेट बी की बात कर रहा हूं, उसमें था बायोडायवर्सिटी के खत्म होने के कारण, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 एज इट इज आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी दो था, इसमें बी नंबर क्वेश्चन जो है प्राथमिक इम्यूनिटी के बारे में, प्राइमरी इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है गेस में से। क्वेश्चन नंबर 23
इसमें भी दो है एलर्जी और डीएनए का स्ट्रक्चर, ये भी इस क्वेश्चन में था। 24 एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पीसीआर बार बार मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, डीएनए और आरएनए में की स्टेबिलिटी से संबंधित, डीएनए आरएनए दोनों से संबंधित क्वेश्चन था कि डीएनए क्यों स्टेबल है, ये भी गेस में है। और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में है ना, इसे अनुलेखन इकाई कहते हैं, तीन भागों में बटा होता है, जहां से डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया के बारे में है, तो इसके बारे में डिटेल लिखना था। और लास्ट 26 नंबर क्वेश्चन में जो दो सेगमेंट में था उसमें से एक इम्प्लांटेशन, गर्भारोपण की जो प्रक्रिया होती है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे गेस में से आए हुए हैं और इससे कहीं ज्यादा क्लासरूम के नोट्स में से आए हुए हैं। तो जो बच्चों का फीडबैक आ रहा है लॉन्ग शॉर्ट में, मैं भी पूरी तरह से आशान्वित हूं, बच्चे भी हैं कि बहुत बेहतर गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ी और तैयारी की जरूरत है। एग्जाम बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन नीट के लिए और बेहतर प्रिपरेशन हो तो बेहतर होगा। सर ने जितना साइंस एकेडमी में छात्रों के बीच रवि सर ने मेहनत किया, डॉक्टर स्मिता किरण ने मेहनत, तो ये लोग दोनों आदमी काफी मेहनत किए छात्रों के बीच और अच्छे से पढ़ाए। और जो गेस्ट क्वेश्चन अभी रवि सर ने यहाँ पे लिख रखा है, ये कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, वो टोटल क्वेश्चन आ चुके हैं सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी टोटल क्वेश्चन लड़ चुके हैं। और अभी 12 में बायो का बैच स्टार्ट हो चुका है, 7:30 से 9 फर्स्ट बैच है। हाँ, तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो हमारे यहाँ साइंस एकेडमी में बायो का क्लास किए हैं, वो 12 के लिए न्यू छात्रों के लिए आप भेजें क्लास करने के लिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए रवि सर आप लोग खुद देखे होंगे कितना मेहनत आप लोगों के लिए की है, और जो छात्रों का फीडबैक जो आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। और जितने साइंस एकेडमी के छात्र हैं जो बायो का आज पेपर दिए हैं वो काफी खुश हैं, जो क्वेश्चन लड़ा है सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक क्वेश्चन लड़ा है।